हेलो बच्चों, आज करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो है कि व्हाट इज एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। तीन पार्ट है, एक तो नंबर्स में निकालना है, देन टू कॉन्जिक्यूटिव हमें इवन नंबर्स का बताना है, देन थर्ड पार्ट है कि टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का बताना है। तो एक एक करके जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं ए पार्ट, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं यानी लगातार, तो हम ले लेते हैं 5 और 6। ठीक है, यही हो गए ना। तो 5 का और 6 का हमें क्या बताना है, कॉन्जिक्यूटिव का एचसीएफ। तो 5 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो सिंपल एक ही आएगा, 5। एंड 6 के निकालोगे तो 6 के देखो कैसे निकालोगे, 2, देन ये हो गया 3 एंड ये 3, यही। तो 2 कॉम मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आपके क्या मिलेगा, इसका जो एचसीएफ मिलेगा। पहले बात तो इनके बीच में कोई कॉमन ही नहीं है, कॉमन कोई प्राइम फैक्टर है नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉमन जब कोई प्राइम फैक्टर नहीं है तो तब हम 1 लिखते हैं, ये याद रखना। जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तब हम 1 लिखते हैं। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो ये नहीं कि अब 0 लिख दोगे, नहीं, 1 आएगा। ओके, 1 का मतलब क्या बता रहे किसी के एचसीएफ के 1 का, कि इनके बीच में कोई प्राइम फैक्टराइजेशन सेम है ही नहीं। ओके, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर ए। ओके, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। देन हमारे पास है बी इवन नंबर के लिए, तो दो इवन नंबर ले लेते हैं, 8 और 10। दो कॉन्जिक्यूटिव 8 और 10 हो गए ना इवन नंबर। अब देखो इनका निकाल लेते हैं, तो 8 के बनाओगे आप क्या आएगा, 2, 4, देन 2, देन 2, ओके। देन इसके बाद 10 का 2, 5, y, ओके। तो ये हो गया 2, 5। अब इसके बीच में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कॉमन प्राइम फैक्टर 2। देन इसका हमारे पास वो क्या आएगा, HCF। अगर कुछ ज़्यादा तो मल्टीप्लाई करते, नहीं तो सिंपल ये है तो यही है, 2 हो गया। तो हमारे पास कोई भी, अगर आप इवन नंबर कोई भी ले लो लगातार, उनका जो आएगा वो यही आएगा। ओके, चेक कर लेना आप चाहे। देन है ओड नंबर के लिए, ओड नंबर के लिए निकाल लेते आइए। हाँ जी, ओड नंबर है सी हमारे पास, दो ओड नंबर ले लेते जल्दी से, और फाइव एंड सेवन ले लेते हैं। चलो दो और नंबर हो गए कॉन्टीन्यूस। 5 का क्या आया था हमारे पास फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स 5, एंड 7 का क्या आया था, 7, ये रहेगा। तो इनके बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सीधा एचसीएफ हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ऐसी कोई और एग्जांपल लेते हैं इसके अलावा, चलो हम लेते हैं 17 और 19, नहीं ये भी नहीं ले सकते, हम लेते हैं 13 और 15 ले लीजिए। चलो एक बार 13 का निकालोगे, 13 एक प्राइम नंबर है, सिंपल लिखेंगे 13, 15 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 5, तब भी हमारे पास क्या आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो एक चीज़ नोटिस करी आपने कि ओड जब हमने लिए, जब इवन नंबर लिए थे तो 2 आया था, जब ओड लेते हैं तो 1 आता है, एंड जब हमने नंबर्स कॉन्टीन्यूस लिए थे तब हमारे पास तब भी शायद यही आया था। तो यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, ये आपको बताना चाहता है कि जब टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे ओड इवन ये कोई पर्टिकुलर नंबर्स हो तो किस तरीके से वो अपना एचसीएफ प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया, जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज का, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 3, वो करेंगे, दैन एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।